खरगोन शहर में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए नगर में बाईपास का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए गुरुवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने प्रस्तावित बाईपास, ट्रांसपोर्ट नगर और ट्रेचिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया। नगर पालिका सीएमओ श्रीमती प्रियंका पटेल ने बताया कि सनावत रोड से खंडवा रोड और खंडवा रोड विस्तान रोड से तथा विस्तान रोड को उमरखली रोड से कनेक्ट करके बाईपास प्रस्तावित है। कलेक्टर कुमार ने निरीक्षण के बाद 3.5 किलोमीटर लंबे समय और 3.5 किलोमीटर लंबे और 30 फीट चौड़े बाईपास के लिए DPR तैयार करने के निर्देश दिए हैं। डावरिया रोड पर ट्रांसपोर्ट बनाए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए नगर एवं ग्राम निवेश में भी इसी स्थान पर प्रस्तावित किया था। नगर पालिका ने डावरिया रोड वाले 20 एकड़ भूमि नगर पालिका को देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। निरीक्षण के दौरान नपा अध्यक्ष छाया जोशी और नपा के पार्षदगण SDM ओम नारायण सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे। प्रस्तावित बाईपास के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर कुमार ने नगर पालिका की ट्रेचिंग ग्राउंड का भी अवलोकन किया। यहां उन्होंने C&D मशीन स्थापित कर पेवर ब्लॉक का कार्य करने के निर्देश दिए हैं। नगर पालिका सीएमओ ने बताया है कि शहर से डिमोलेशन व अन्य बिल्डिंग्स के निकलने वाले मटेरियल पेवर ब्लॉक बनाए जाते हैं। ट्रेचिंग ग्राउंड पर कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन मशीन इंस्टॉल की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर कुमार ने उमरखली रीड ट्रेचिंग ग्राउंड, ट्रांसपोर्ट नगर, नहर किनारे का प्रस्तावित बाईपास मार्ग का भी अवलोकन किया। यहाँ हर किनारे कई शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। जैसा कि आपको कल निरीक्षण की खबर है, उस निरीक्षण में अध्यक्ष महोदय का हमारे यहाँ पे काफ़ी मन है कि इस शहर में जो ट्रैफिक है वो सुचारू हो। कलेक्टर साहब ने भी बार बार जो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होती है उसमें बार बार ये पॉइंट रखा है कि ट्रैफिक जो है शहर का सुचारू होना चाहिए। उसी के मद्देनज़र हम लोगों ने जब रोड्स को इवैल्यूएट किया कि हम कहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं, तो जो नहर के सर्विस रोड्स हैं वो एक हमें बहुत अच्छा कनेक्टिंग पॉइंट मिला है। हमारे यहाँ जो रोड्स हैं मेनली विस्तान रोड, सनावत रोड, खंडवा रोड, ये सारे रोड्स के ट्रैफिक अगर लोगों को कहीं जाना है तो सब लोग चौराहे पे आते हैं, तो हर व्यक्ति चौराहे तक आता है। अगर दूसरे एरिया में जाना है उससे ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है। अगर हम उमरखली रोड से जो नहर चालू होती है, उमरखली रोड से आप विस्तान रोड आएंगे, विस्तान रोड से खंडवा रोड, खंडवा रोड से सनावत रोड, ये जो नहर के सर्विस रोड है उनको अगर हम यूज़ करके बना पाए तो ये सारा कनेक्ट होकर आप डायरेक्ट उमरखली रोड से सनावत रोड तक आ सकते हैं बिना चौराहों पे आए हुए, तो बहुत सारा ट्रैफिक हम डाइवर्ट कर सकते हैं, इससे काफ़ी सुचारू हो जाएगा ट्रैफिक। दूसरा फिर ट्रांसपोर्ट नगर, क्योंकि शहर हमारा लगातार बढ़ रहा है और कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ बहुत अच्छी हैं, तो एक ट्रांसपोर्ट नगर की आवश्यकता यहाँ हमेशा से महसूस हुई है। लोगों ने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसको बोला है, तो इसी को लेकर परिषद हमारी काफ़ी सेंसिटिव है। अध्यक्ष जी ने भी आदेश दिया, कलेक्टर साहब के भी आदेश हुए, तो हम लोगों ने फिर वो जगह देखी जो मास्टर प्लान में प्रपोज्ड है। मास्टर प्लान में जो जगह प्रपोज्ड है उस जगह को हम लोगों ने देखा कि उसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वहाँ से NH का भी रिंग रोड निकलेगा भविष्य में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा रहने वाला है वो पॉइंट हमारा। तो लगभग 20 एकड़ भूमि की हमने वहाँ पे मांग की है। ट्रांसपोर्ट नगर अगर बनता है तो हमारा जितना भी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी अच्छे जो हमारे यहाँ शोरूम्स हैं 4-व्हीलर्स के, 2-व्हीलर्स के, वो लोगों को भी हम वहाँ जगह प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होंगी, तो एक तरह का ट्रैफिक मूवमेंट जो शहर में पूरे समय होता है, कहीं भी कुछ भी बेतरतीब तरीके से बड़े वाहन पार्क हैं उस पर भी अंकुश लगेगा। और कलेक्टर साहब ने साथ ही साथ टेंशन ग्राउंड का विजिट किया, खरगोन नगर पालिका का टेंशन ग्राउंड हमारे संभाग में ऑलमोस्ट सबसे अच्छा टेंशन ग्राउंड है। कलेक्टर साहब ने भी देख के काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की है। कलेक्टर साहब ने हमें एक दो पॉइंट उसमें निर्देशित किए हैं, जैसे कि जो हम अभी CND वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट हम लोग जो कलेक्ट करते हैं उसको यूज़ करने के लिए अभी हमारा अग्रीमेंट है तो हम उसको सेल कर देते हैं। सर ने बोला इसे आप पेवर्स बनाइए और पेवर्स आप अपने स्वयं के लिए यूज़ करिए। और दूसरा एक हमारा प्लान है कि जो गोबर निकलता है, गोबर से जो हम कंडे बनाने की मशीन या जो संविदाएँ बनती हैं, लकड़ियाँ बनती हैं, उसको बनाने की मशीन भी हम। खरगोन से अब्राहम पठान की यह रिपोर्ट।